Laugh mass action and derivation of an expression for equilibrium constant. अब लास्ट टाइम हमने स्टेटमेंट इसकी दी थी लाफ मास एक्शन की, याद है आपको? बताएं किसे कहते हैं लाफ मास एक्शन स्टेटमेंट। जब कोई रिएक्टेंस प्रोडक्ट निकाला होता है उस रिएक्शन को डिफरेंट टाइप अप्रोच लोग करते हैं उसके साथ। ठीक है, बताएं। ठीक है, तो पहले हमने इसकी स्टेटमेंट दी थी लाफ मास एक्शन की, किसी भी रिएक्शन की जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको आप दोबारा एक दफा देखें, तो हमने कल एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन लिया था, मतलब आप दे रहे ए रिएक्टेंट रिएक्ट्स विद रिएक्ट्स अनदर रिएक्टेंट बी टू फॉर्म प्रोडक्ट सी एंड डी। तो हमने एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन लिया था जिसमें रिएक्टेंट ए रिएक्ट करता है दूसरे रिएक्टेंट बी के साथ, उस रेंज में क्या बनते हैं सी और डी। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स को या कोएफिशिएंट को हमने स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी और स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया था। अब इसको दोबारा हम अप्लाई करते हैं लाफ मास एक्शन स्टेटमेंट दोबारा देंगे, तो हम असल में आज क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले इसके लिए हमने क्या किया, एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन लिया जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके सी और डी क्या बना रहे हैं प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो आप इसमें दो तरह के रिएक्शंस का हमने पढ़ा था, एक फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स हैं सी और डी क्या है प्रोडक्ट है, दूसरा रिवर्स रिएक्शन जिसमें सी और डी रिएक्टेंट हैं ए और बी क्या है प्रोडक्ट है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमने यहां लिखा था केएफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और रिवर्स रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट को हमने रिप्रेजेंट किया था केआर से। अब हम सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, अप्लाई करेंगे किसके लिए रिवर्स रिएक्शन पे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर एफ रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब ए रिएक्टेंट से स्क्वायर ब्रैकेट हमने कहा था किसको रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को, दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है बी स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करेगा कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं रेस टू द पावर इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो उसका जो कोएफिशिएंट उसको पावर में लेके जाना है स्मॉल है इसके पावर में जाएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या है बी का तो इसके पावर में जाएगा। तो हमने अप्लाई किया लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेस टू द पावर इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हम दूसरे स्टेप पे इसको आगे प्रोसीड करेंगे रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शन हटा के हम क्या लगाएंगे इसकी जगह इक्वेलिटी, जब भी इक्वेलिटी लगाते हैं तो उसके साथ कांस्टेंट लगाते हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम लगाएंगे के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। उसके बाद आगे ए की कंसंट्रेशन और उसके बाद बी की कंसंट्रेशन ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कोएफिशिएंट इनके कहां जाएगा पावर में। अब इसको आप नाम दे दें इक्वेशन वन, क्या नाम देंगे इक्वेशन वन। अब आप अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर रिवर्स रिएक्शन, किसके लिए अप्लाई करेंगे रिवर्स रिएक्शन के लिए, तो रेट फॉर रिवर्स रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट करें आर रेट के लिए स्मॉल आर इसके साथ लगाएंगे, तो किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा रेट फॉर रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड करेगा आप रिवर्स रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रिएक्टेंट्स पे, तो रिवर्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स कौन-कौन से होंगे सी और डी, तो रेट फॉर रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रिवर्स के लिए रिएक्टेंट सी इसका कोएफिशिएंट पावर में जाएगा मल्टीप्लाई बाय डी दूसरा रिएक्टेंट और इसका डी इसका क्या होगा पावर में जाएगा। तो फॉरवर्ड के लिए ये दो रिएक्टेंट्स थे इनके प्रोडक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन, रिवर्स के लिए सी और डी क्या होंगे रिएक्टेंट्स होंगे और इनके कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन।
हमने कहा था कि शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होती है, इसका कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो लाफ मास रिएक्शन कहता है कि जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या होगी, फास्ट होगी। हमने कहा था कि शुरू में जो रिवर्स रिएक्शन वो क्या होता है, स्लो, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, शुरू में कम होती है। जो ये ज्यादा इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उनकी क्या होगी, फास्ट होती जाएगी। तो अब इसमें भी आप क्या करें, प्रोपोर्शन हटाएं, साथ क्या लगाएंगे, इक्वलिटी। इक्वलिटी से क्या लगाते हैं, रेट कांस्टेंट। तो के आर इज रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। आगे क्या मौजूद है, सी और उसके बाद डी रेज टू द पावर स्मॉल डी, और यहां क्या लगाएंगे, स्मॉल सी। अब इस बार नाम दे दें इक्वेशन नंबर टू। अब हमने पढ़ा था डायनेमिक इक्विलिब्रियम, किसे कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वो है जिसमें जो स्पीड से डिफरेंट प्रोडक्ट में कम हो, उसी स्पीड में प्रोडक्ट ग्रो होता है। ठीक है शाबाश, वो स्टेज जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी एट इक्विलिब्रियम, एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इक्विलिब्रियम में कॉमन डिफाइन किया था कि फॉरवर्ड जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, उसी स्पीड से प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो तो उसको क्या नाम देते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में इन दोनों के रेट क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आरएफ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड आरआर फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में आरएफ और आरआर पुट करें तो क्या होगा, आरएफ किसके इक्वल, तो आर एफ की जगह आप क्या लगाएंगे, ये सारी पुट करेंगे तो के एफ ए कंसंट्रेशन और उसके बाद डी कंसंट्रेशन और कोएफिशिएंट क्या होगा, फॉर में जाएगा। तो ये सारा आपने इस इक्वेशन वन से आर एफ की जगह आपने क्या की, पुट की इक्वेशन थ्री में, इज इक्वल टू आर आर की जगह आप क्या पुट करेंगे, के आर सी स्मॉल सी और डी रेशियो टू पावर स्मॉल डी। तो ये इक्वेशन बन गई, आपने क्या किया, इक्वेशन 1 से RF की वैल्यू, इक्वेशन 2 से RF RR एक्सप्रेशंस आपने पुट किए कहां, इक्वेशन नंबर 3 में। अब इसको थोड़ा सा चेंज करें, चेंज इस तरह करें कि कंसंट्रेशन को इक्वेशन के एक साइड में ले आए, कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाए। तो अब इधर क्या है, KF रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, इधर KR रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, इनको इस साइड में लेके जाए तो ये यहाँ के आर मल्टीप्लायर हो रहा है, तो दूसरे में क्या होगा, इसके से डिवाइड होगा, और ये पूरा जो कंसंट्रेशन टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसको मैं यहां लिखता हूं के एफ के आर उधर जाके उससे क्या होगा, डिवाइड होगा, इज इक्वल टू इस साइड में क्या मौजूद है, सी रेस टू द पावर स्मॉल सी डी रेस टू द पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाई, अब ये सारा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरा बार क्या होगा, इससे डिवाइड होगा, तो ए रेस टू द पावर स्मॉल ए बी रेस टू द पावर स्मॉल डी। अब ये दो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं तो उनकी जो रेशियो है वो हमेशा क्या होती है, सेम आएगी, एक और कांस्टेंट आएगी। मसलन अगर आप ले लें 3 एक कांस्टेंट है और उसके साथ दूसरा 3 भी क्या है, कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट वैल्यू है, 3 कांस्टेंट, जब भी आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कभी भी ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसी तरह इसमें के एफ क्या है, एक कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, के आर क्या है उस रिएक्शन के लिए, रिवर्स रिएक्शन क्या है, कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक और कांस्टेंट बन जाता है, के एफ डिवाइडेड बाई के आर इज इक्वल टू उस कांस्टेंट को नाम देते हैं के सी, क्या नाम देते हैं, के सी, और इसका नाम क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस केसी को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3, अब इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दें, इसको इक्वेशन या केसी यानी के एफ किसके बोलते हैं, केसी के, इसको कहां पुट करें, इक्वेशन नंबर 4 में, तो इस सब की जगह क्या आएगा, के सी इज इक्वल टू दूसरी तरफ क्या है, सी रेस टू द पावर स्मॉल सी d raised to the power small d divided by a power small a
और b पावर स्मॉल b। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन था जिसको आपने क्या करना था, डिराइव करना था। कौन सी एक्सप्रेशन? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इसको आपने क्या किया? डिराइव किया। और उसके बाद इसको आप क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो दोबारा देखें, सबसे पहले आपने क्या किया? जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन लिया। इसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपने क्या बताया कि लॉ ऑफ मास एक्शन प्रोपोर्शन हटा के आपने क्या लगा दी? इक्वेलिटी। उसके साथ क्या लगाया? कांस्टेंट। इसको आपने नाम दिया इक्वेशन वन। उसके बाद रेट लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया किसके लिए? रिवर्स रिएक्शन के लिए। तो ये इसके क्या है? रिवर्स रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं। इनके कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद आपने प्रोपोर्शन हटाकर क्या लगाया? इक्वेलिटी। उसके साथ क्या लगाया? कांस्टेंट। के आर क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। इसको आपने क्या नाम दिया? इक्वेशन टू। फिर इसके बाद ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, आपको मालूम है कि फॉरवर्ड और रिवर्स के रेट दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसके बाद आपने इक्वेशन वन और टू से आर एफ और आर आर की वैल्यू आपने कहा पुट की? इक्वेशन थ्री में एक्सप्रेशन को पुट किए। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गई। उसके बाद आपने क्या किया? कॉन्स्टेंट को एक तरफ लेके आए, कंसंट्रेशन या वेरिएबल को दूसरी तरफ लेके आए। ये इक्वेशन आपके पास बनी। तो एक साइड में दो कांस्टेंट की रेशियो अपेक्षा एक क्या होती है? कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को आपने क्या नाम दिया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिप्रेजेंट किया किससे? के सी से। सी इसमें रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को। सी किसके लिए यूज किया है? कंसंट्रेशन के लिए। इसलिए इसके साथ क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं। अब आपने इस के सी को क्या करना है? डिफाइन करना है। के सी को क्या करना है? डिफाइन, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपने डिफाइन करना है। तो इसी एक्सप्रेशन से आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको देखें, इसी एक्सप्रेशन से आप के सी को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। अब के सी क्या है? इज आर रेशियो। ये क्या है? रेशियो, यानी जो दो चीजें अगर डिवाइड होती हैं तो उसको आप क्या नाम देते हैं? रेशियो नाम देते हैं। क्या कहते हैं? रेशियो। तो पहली चीज क्या है? के सी इज द रेशियो। अब रेशियो तो किन की रेशियो है? प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब आप रिएक्शन लेंगे तो ये प्रोडक्ट है और ये क्या है? रिएक्टेंट्स है। तो के सी इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेस टू द पावर। ये सारे किस में रेस हो रहे हैं? पावर में। वो पावर क्या है? इज द कोएफिशिएंट ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी इक्वेशन को हमेशा आपने बैलेंस करना है। केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्वेशन हमेशा आप क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के बाद जो उस इक्वेशन के कोएफिशिएंट होंगे वो उसके कहां चले जाएंगे? पावर में चले जाएंगे। तो ये डिफिनेशन है किसकी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। दोबारा देखें, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो। इट इज द रेशियो। किन की रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेस टू द पावर्स equal to the coefficient of the balanced chemical equation। तो इसको क्या नाम देते हैं? Equilibrium constant कहते हैं। Equilibrium constant लिखते हुए हमेशा आपने product को numerator में लिखना है और reactants को denominator में लिखना है। तो नीचे जो division के नीचे आपने क्या लिखना है? Reactant। ऊपर आपने क्या लिखना है? Product लिखना है। और जो balanced chemical equation का coefficient होगा वो हमेशा कहाँ चला जाएगा? Power में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? पावर में। तो ये था आज का आपका टॉपिक। कोई मसला तो नहीं है? क्लियर है? सिंपल है? तो ये अहम तरीन टॉपिक है इस चैप्टर का, लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेटमेंट, केसी एक्सप्रेशन की डेरिवेशन। डेरिवेशन के बाद इस केसी को आपने क्या किया? डिफाइन किया। अब आगे चैप्टर कंप्लीट तक हम इसी केसी को लेके चैप्टर के एंड तक जाएंगे। ये टॉपिक है, इसको इस तरह आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है? इसको तैयार करना है। नेक्स्ट फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे।